अपोलो टायर्स ने आगे बढ़कर आंध्र प्रदेश में एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में नया संयंत्र अपोलो टायर्स की वैश्विक स्तर पर 7वीं और भारत में 5वीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। नया अपोलो प्लांट चिन्नापंदूरू गांव में स्थित है और यह लगभग 256 एकड़ में फैला हुआ है। कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के शुरुआती चरण के दौरान करीब 3,800 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रही है। अपोलो टायर्स ने बताया कि यह पिछले क्वार्टर के दौरान लगभग 289 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल दर साल 270.5% की वृद्धि करने में सक्षम था। यह भारत में वाणिज्यिक वाहनों की टायर बिक्री में सुधार और भारतीय बाजार में देखी गई कुल सेल्स रिकवरी का परिणाम था। कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में इस संयंत्र में धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। 2022 तक एक दिन में 15,000 यूनिट पैसेंजर कार टायर और 3,000 यूनिट ट्रक टायर का उत्पादन करने के लिए उत्पादन क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाने का यह निर्णय टायरों की मांग को देखते हुए आया है। इस सुविधा में अत्याधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों की तैनाती से कंपनी भारत में प्रीमियम OEM और आफ्टर मार्केट ग्राहकों को लक्षित करने में सक्षम होगी। कंपनी ने कहा कि यह वैश्विक बाजारों में गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के कंपनी के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा। मॉड्यूलर लेआउट के लिए प्लांट को ग्राउंड अप से बनाया गया है। यह इस सुविधा की क्षमता को कम से कम इंजीनियरिंग चुनौतियों और बाद में निवेशों के साथ बदलने की अनुमति देगा। अपोलो भारत में वाणिज्यिक टायर क्षेत्र में मार्केट लीडर है, जो देश के कुल वाणिज्यिक टायर बिक्री का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ अपोलो का है। नया संयंत्र मांग को पूरा करने और अपोलो की बाजार स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। यह भारतीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रांड के विकास का आधार भी होगा। बड़ी खबर यह है कि यह सुविधा एक ग्रीन फील्ड है। यहाँ की प्रक्रियाओं के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा सूर्य से ली जाएगी। इसके लिए छतों में सोलर पैनल सेटअप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, दुकान के फर्श पर भी धूप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। यह संयंत्र एक जीरो वाटर डिस्चार्ज फैसिलिटी भी है और एक इन बिल्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम भी प्राप्त करता है। अधिकांश प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण के अनुकूल कूलेंट्स का भी उपयोग किया जा रहा है। इस कारखाने में 850 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सुविधा के चालू होने पर टिप्पणी करते हुए अपोलो टायर्स लिमिटेड के अध्यक्ष ओंकार एस कंवर ने कहा कि यह प्लांट हाईली ऑटोमेटेड प्लांट होने के कारण यह कई IT संचालित प्रणालियों और रोबोटिक्स का उपयोग करता है। ओंकार ने कहा, यह प्लांट पर युवा के साथ साथ स्किल्ड श्रमिकों को भी नियुक्त करेगा। इन श्रमिकों को ज्यादातर आंध्र प्रदेश से काम पर रखा जाएगा, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।